नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया में। और यहाँ पर अभी हम बात करने वाले हैं CAA बिल के बारे में, यानी कि नागरिकता संशोधन बिल के बारे में। और आपको बताएंगे इस एक्ट के तहत जो होने वाले विरोध अब किस कदर बढ़ चुके हैं और कहाँ कहाँ पर अब विरोध जारी है। तो आइए इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे। शाहीन बाग में पहुंची एक हिंदू एक्ट्रेस ने क्या कहा, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भेजे गए वार्ताकारों ने आखिरकार शाहीन बाग वालों से क्या बात की, साथ ही आपको बताएंगे कोलकाता के सर्कस मैदान में अब इसके विरोध में क्या चल रहा है। वहीं बात करेंगे चेन्नई की सड़कों का, जहां पर लाखों की संख्या में मुस्लिम एकत्र हो चुके हैं और कर रहे हैं विरोध। आइए बात करेंगे सभी बड़ी खबरों के विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए आप देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। लेकिन उससे पहले अगर आप सेक्युलर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको धर्मवाद से बिल्कुल परे और एकदम सही और सटीक न्यूज़ें मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। तो बढ़ेंगे वीडियो में आगे और आपको बताएंगे सबसे पहले शाहीन बाग की स्थिति। चलिए आपको बता दें, शाहीन बाग में मध्यस्थता पैनल पहुंचा हुआ। मध्यस्थता पैनल के तहत साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े पहुंचे हुए। इन्होंने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी अपील की है कि आप सिर्फ रास्ता छोड़ दीजिए ताकि बाकी पब्लिक परेशान ना हो। इस पर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम बिल्कुल रास्ता नहीं छोड़ेंगे। इस पर संजय हेगड़े ने कहा कि शायद आप इस घटना इस स्थल को छोड़ दें, यानी कि जहां पर आप प्रदर्शन स्थल बना चुके हैं आप उसको छोड़कर अगर कहीं दूसरी ओर जाए तो आपके आंदोलन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका जोर अभी जितना सरकार पर है उतना ही बाद में रहने वाला, ऐसा संजय हेगड़े द्वारा उन्हें समझाया गया। फिर आखिरकार साधना रामचंद्रन का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कहा कि यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आपसे बात ही नहीं हो रही तो हम यहाँ आकर क्या करें। तो ये शाहीन बाग वालों के लिए बड़ी खबर है कि आखिर वो बात अब नहीं करेंगे तो आपकी जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुँचाई जाएगी। यानी कि जो भी वीडियो देख रहे हैं वो आप ये थोड़ा सा सोचिए, बात करिए, क्योंकि बात करने से ही हल निकलेगा। आप लगातार आंदोलन करेंगे, अनशन पर बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। वह इसी के साथ कुछ दिनों पहले ही अमित शाह द्वारा भी आपको ऑफर दिया गया था, यानी कि शाहीन बाग वालों को ऑफर दिया गया था कि या जो भी शाहीन बाग में से प्रदर्शनकारी है वो उनसे जाकर मिल सकते हैं ताकि इस बारे में समझ सके और उनकी बात भी समझ सके, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा है कोई भी। आइए दूसरी बड़ी खबर की भी देख लेते हैं। चलिए आपको बता दें, अभी तक दो राउंड की बातचीत की जा चुकी है इनके द्वारा, वार्ताकारों द्वारा, लेकिन अभी तक वो दोनों वार्ताएं बेनतीजा रही है। आज फिर शाहीन बाग में पहुंचेंगे, प्रदर्शनकारियों से 10-10, 15-15 प्रदर्शनकारियों से अलग अलग बात करी जाएगी, क्योंकि एक साथ बात करने में कुछ भी नहीं मिलने वाला। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उनसे एक अपील है कि कल एक आर्थिक जनगणना करने पहुंची टीम को बंधक बना लिया गया, ये समझ कर कि वो CA NRCO NPR की जनगणना करना है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी तक किसी भी राज्य ने बिल्कुल पूरी तरीके से माना नहीं है और ना ही उन्होंने अपने जो कह सकते हैं ऑफिसर्स को हायर किया है ताकि ये जनगणना कर सके, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। आर्थिक जनगणना करने के लिए आए थे उन्हें बंधक बना दिया गया है, ये थोड़ा सा आप सोचिएगा। आपके भी आ सकते हैं घर, तो ये आर्थिक जनगणना अभी तक चल रही है, उसके बाद 2021 की सेंसस आने वाली है, उससे पहले हो सकता है राज्य अगर मान जाए, राज्य को मानना ही पड़ेगा वैसे NPR की जो प्रणाली है वह कराने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे ने कह ही दिया है कि हम NPR लाने वाले हैं मई के अंदर, भाई कमलनाथ सरकार ने मना कर दिया, भाई केरल सरकार के अंदर भी ये कहा गया कि हम NPR को बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। बात कर लेते हैं अब सर्कस पार्क मैदान की। यहाँ पर कल एक एक्ट्रेस पहुँची थी
जिशान अयूब की पत्नी, लेकिन आपको बता दे यह धर्म से हिंदू है। तो इन्होंने जाकर बोला कि मुस्लिमों की जो हम कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र की तरह नहीं बनाना चाहते हैं, हम सेक्युलर हैं और सेक्युलर की तरह रहना चाहते हैं। और इसी वजह से उन्होंने कहा था कि मुझे डर लग रहा है, और उन्होंने एक लाइन भी कही थी कि मैं हिंदू हूँ और शर्मिंदा हूँ। तो इस प्रकार से ये खबर आ रही थी सर्कस पार्क में, जो वहाँ पर कोलकाता के अंदर है, और वहाँ पर भी ये चल ही रहा है प्रदर्शन, जैसा शाहीनबाग में चल रहा है वैसे वहाँ पर भी चल रहा है। चलिए, ये दोनों राज्य भी नहीं, अब एक और राज्य भी जुड़ गया, वो राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर हजारों और लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग एकत्र हो गए और वहाँ पर रैली के साथ ही प्रदर्शन शुरू कर दिया, और ये विरोध में प्रदर्शन किया गया। सचिवालय के बाहर जाकर नारे लगाए गए और वहाँ जाकर प्रदर्शन पूरी तरीके से किया गया, जिसकी वजह से ना सिर्फ सड़कें तंग दिखाई दी और लोग भी परेशान हुए, और बाकी दूसरी जगहों में भी अब प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो ये थोड़ी सी बड़ी बात बनती जा रही है, और देखते हैं, इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी आगे भी बड़ी खबरें जो भी सीए को लेकर आएगी। तो आप देखते रहिए एजुकेशन नेट के साथ हर एक बड़ी खबर। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।